अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम सबक नंबर 3 सुनत नबवी की मश्क करेंगे। सफ़ा नंबर 13 में पहला सवाल, दुरुस्त बयान पर सही का निशान लगाएं। नंबर 1, सुनत के लफ्ज़ी मायनी क्या हैं, उसके रास्ता और तरीका। उस्वा के मायनी क्या हैं, नमूना। इतबा के मायनी हैं किसी के नक्शे कदम पर कदम रखकर चलना। हमें अपने सीरत व करदार को संवारने के लिए बेहद ज़रूरत है किसकी, सुन्नत नबी पर अमल करने की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को कहते हैं सुन्नत। अब हम ये सवालात करेंगे। इसमें सवाल नंबर 1 है, कुरान मजीद के अहकाम की अमली शक्ल क्या है। इसका जवाब यहाँ पर है कि अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए कुरान मजीद नाजिल किया और इसमें इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत से अहकाम और हदायत दी। इन हदायत और अहकाम के लिए अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को नमूना करार दिया। कुरान मजीद की हदायत और अहकाम अमली शक्ल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में मौजूद हैं। सवाल नंबर 2 है, काना खुलकुहुल कुराना का तर्जमा लिखें। इसका तर्जमा क्या है, इसका तर्जमा ये लिखा हुआ है कि तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। यहाँ पे जीम है, नमाज अदा करने का तफसीली तरीका कहाँ से मिलता है। ये आपके वर्क बुक पे भी काम करवाया गया है, उसमें भी ये जवाब लिखा हुआ है। उसका जवाब यहाँ पे यही है कि नमाज अदा करने का तफसीली तरीका हमें सुन्नत नबवी से मिलता है। अब यहाँ पे कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। ये सफ़ा नंबर 14 में है। यहाँ पे है, इस्लामी शरीयत की इस्लाम में वो तरीका जिसके मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी, सुन्नत कहलाता है। नंबर 2 है, अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए कुरान मजीद नाजिल फरमाया या नाजिल किया। जो शख्स कुरान मजीद पर अमल करना चाहता हो उसके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ताला की मोहब्बत के हसूल के लिए इत्बाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसल्लम ज़रूरी है। अपने सीरत व करदार को संवारने के लिए हमें सुन्नत पर अमल करने की बेहद ज़रूरत है। उसके बाद ये वाले सवाल हैं, सुन्नत नबी की अहमियत और अपने अल्फाज में बयान करें। ये आपको वर्कबुक पे करवाया गया काम है, ये वहाँ से आपने याद करना है। कुरान और सुन्नत का बाहमी ताल्लुक वाज़ेह करें। यहाँ पे आ जाते हैं और ये इसका सारा ताल्लुक है, बाहमी ताल्लुक, और ये आपके वर्कबुक पे भी करवाया गया है। ये आपने यहाँ से या वहाँ से याद कर लेना है। आज हमारा ये सबक नंबर 3 मुकम्मल हुआ। जल्द ही सबक नंबर 4 के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।